यहीं रुको, मिल के आता हूँ। हाँ, हाय। हाय। एक्सक्यूज मी। आ जाओ जाओ। यहाँ भी आ गए? ये सेलिब्रिटी पार्टी है। हेलो, मैं अभी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इनविटेशन से आया हूँ। यहाँ तो दिल ही तीर का निशाना बनने आ गया। क्या मतलब? प्यार का तीर लेके खड़ा था, तुम दिल लेकर घायल होने आ गई। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके पैर काट दिए। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, कोर्ट है। क्या वो कानून है? उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप, उन्हें इंसाफ मिला? तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया? चलो उनकी छोड़ो, तुम तो एमएलए हो ना, तुमने क्या कर लिया? खैर छोड़ो, जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता, मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो? मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटीजंस के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूँ, पर करूं भी तो क्या करूं? पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है, सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं, घूमें फिरें, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं एक एमएलए हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चलो, वरना आइडिया ड्रॉप करो। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली, सही है ना? शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे थे, मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। लाइन पे आ रही है। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनोज। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई, चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले। गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा। मेरे हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगा। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है, दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे, इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, सीधी असेंबली से आई है। ये हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? एक्चुअली आई वाज स्टडिंग इन यूएस आंटी, सडनली डैड एक्सपायर्ड, सो अनएक्सपेक्टेडली आई बिकेम एमएलए आंटी। हाय हाय, इसका सांबार घटिया, तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत विश्वत नहीं लेती है क्या? नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी ही पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले? ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है? अंडरवर्ल्ड की हुल देता है,
अंडरवर्ल्ड को अपनी जींस की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर एक घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और थर्ड डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबर है। सांबर का जवाब नहीं। अंकल। क्या हुआ बेटी? आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आओ ना। बात ये है अंकल कि जब मेरे पापा सीएम बनने वाले थे तो उनकी अचानक मौत हो गई। सोसाइटी में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, उतनी ही इज्जत मेरी भी करते हैं। एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट है अंकल। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल अपने काम की वजह से जीतूं, ना कि किसी डर की वजह से। लेकिन गणेश से शादी होने के बाद लोग मेरी इज्जत उसके खौफ की वजह से करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अंकल। मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर आए और ये वादा करे कि वो कभी मारपीट नहीं करेगा। शादी के बंधन को अटूट बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या वो मेरी बात मानेगा? ये चाहती है कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूं। अरे बाप रे, नहीं नहीं, आइडिया ड्रॉप। क्या? कुछ नहीं होगा। इसकी शर्त सुनी आपने? ये दूल्हा कम असिस्टेंट ज्यादा चाहती है। सब ऐसी होती है। तो प्रो, अरे रे रे रे, ये तो क्या कह रहा है? वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है? जल्दी से शादी कर लो, दो तीन बच्चे पैदा कर लो, ये दादा बनेंगे, मैं दादी, बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, चाचा। हाँ, ये सब क्या है, इतने सारे अपाहिज? हाँ बात तो सही कर रहे पंडित जी। बोलिए। इतने सारे फिजिकली चैलेंज लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान से पहले प्रॉमिस करोगे फिर तोड़ोगे तो अंग तो भंग हो गए ना। अब चलो। प्रतिज्ञा लेने का समय हो गया है, ऊपर आइए। वाह पंडित जी, हलाल होने वाले बकरे को पहचान लिया। एक्सपीरियंस है पूरे 25 साल का। मैं भी कोई आज पैदा नहीं हुआ हूँ। मुर्गी कब अंडा देगी, कहाँ देगी, सब पता है। उसको उबाला जाएगा या तला जाएगा या फिर ऑमलेट बनेगा, सब जानता हूँ। आप आइए, आइए आइए। अब चलो ना, आओ चलो। आजा आइए, आइए आजा आजा। अब शर्मा मत, नहीं तो पंडित भाग जाएगा। आगे जाओ बेटा। अब मेरी बात कॉपी पेस्ट कीजिए। बोलिए। टुडे एंड फ्रॉम नाउ, आज और अभी से, इन एवरी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में, माय वाइफ, आई कुड फॉलो माय वुड बी, अपनी पत्नी, अपनी होने वाली पत्नी की हर बात मानूंगा। आई विल नेवर डिशुम डिशुम। आज के बाद कभी झगड़ा। कैसे और इसे क्यों मार रहे?
चार दिन के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ मार। हाथ छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो। गणेश सुनो, नहीं समझ गया, सब कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी तरफ, देखो, देखती रहो।